दशहरा और फिर दिवाली, भारत में फेस्टिव सीजन चल रहा है और इस दौरान बहुत से लोग कार खरीदते हैं। वजह होती है बहुत सारे ऑफर्स और डिस्काउंट्स, जिससे आकर्षित होकर लोग कार खरीदने का प्लान करते हैं। कार कंपनियां और डीलर्स भारी डिस्काउंट भी देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को नई कार खरीदना काफी किफायती पड़ता है। साथ ही साथ इस समय नए मॉडल के साथ साथ स्पेशल एडिशन और फेसलिफ्ट मॉडल भी लॉन्च किए जाते हैं। इस सब कंपनियां ऑब्वियसली अपनी सेल को बढ़ाने के लिए करती हैं। लेकिन इस समय में कार खरीदना फायदेमंद हो सकता है या फिर नुकसानदेह, यानी कि फेस्टिव सीजन के दौरान कार खरीदना सही रहता है या फिर नहीं, आइए जानते हैं स्पेशल वीडियो में। फेस्टिव सीजन में कार खरीदने के नुकसान क्या है, पहले ये जान लेते हैं। ज्यादातर लोग ऑफर लेने के चक्कर में जल्दबाजी में आकर फैसला लेते हैं। लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर की वजह से लोग सही से जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं और जल्दबाजी में नई कार खरीद लेते हैं। हाई डिमांड होने से स्टॉक की कमी भी हो सकती है, जिससे गाड़ियों के पॉपुलर मॉडल जल्दी बिक जाते हैं। इसकी वजह से खरीदारों के पास कम ही ऑप्शन बचते हैं। कार्स की बढ़ती बिक्री की वजह से सर्विस क्वालिटी पर भी असर पड़ सकता है। डीलरशिप ग्राहकों को बढ़ती संख्या के साथ अपने स्टैंडर्ड को पूरा करने में दिक्कत महसूस भी कर सकते हैं। अब जानते हैं कि सीजन में आखिर फायदा कैसे उठाया जाए। सबसे पहले तो नई कार खरीदने के लिए सही प्लानिंग करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पहले ये जानना होगा कि आपको कौन सी कार चाहिए, जिससे आपकी सारी की सारी जरूरतें पूरी हो जाएं। फिर आपको अलग अलग कार कंपनियों पर मिल रहे डिस्काउंट ऑफर्स को कंपेयर भी करना होगा। जो सही डील हो उसके साथ ही आपको जाना चाहिए। फेस्टिव सीजन के दौरान नई कार लेने में हड़बड़ी तो बिल्कुल भी ना करें और आपका जितना बजट है उतने में ही नई कार खरीदें। तो ये थे कुछ नफा और नुकसान फेस्टिव सीजन में कार खरीदने के। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर आप इस सीजन में कार खरीद रहे हैं तो ये बात तो आप जरूर ध्यान रखेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।